अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल डुबायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक वैक्सेस। ये एस्टर्स और लॉन्ग चेन्स हैं मोनो अल्कोहल के और फैटी एसिड्स के। सिंपल लिपिड्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग में स्टेम्स की, स्टॉक्स की, लीव्स की, पेटल्स, रूट्स, स्किन, एनिमल स्किन, फर, फेदर्स वगैरह में, सब में जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो फाउंड कर रहे होते हैं। लीव्स के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो मेजॉरिटी जो है वो वैक्स की ही बनी हुई होती है। फ्रूट्स की एक ऊपर एक लेयर होती है जो उनको शाइन प्रोवाइड करी होती है, वो वैक्सेस सेम ही मिलके बनी हुई होती है। ज़्यादातर ये नॉन रिएक्टिव इन नेचर है और वाटर रिपेलेंट है। वाटर को जो है वो ये रिपेल करते हैं और रिएक्टिव नहीं है नेचर के अंदर, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करवाते। और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, वाटर लविंग नहीं है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग कहलाता है, हाइड्रोफोबिक है मतलब वाटर से डरते हैं, इसीलिए तो वो रिपेल कर रहे हैं वाटर को। दीज आर केमिकली इनर्ट, इसका मतलब भी यही है कि दे आर नॉट रिएक्टिव, ठीक है, और रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो एटमॉस्फेरिक है उससे रेजिस्ट करते हैं। टू टाइप्स की वैक्सेस हमारे पास फाउंड होती हैं। एक हमारे पास जो होती है वो वैक्स होती है वो नेचुरल लाइक बी वैक्स होती है, ठीक है, और वो बी वैक्स जो है वो क्यूटिन या क्यूटिकल ऑफ लीव्स के अंदर जो है वो फाउंड होगी, या जो आप सिंपल उसको बी वैक्स भी कहते हो। सिंथेटिक वैक्स जो होती है वो आप पेट्रोलियम या पॉलीथिलाइन से, एथाइलीन से जो है वो ड्राइव करते हो। वैक्सेस जो है कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखती हैं, और वैक्सेस जो है उसकी प्रिंसिपल सोर्स जो है वो आपके पास आ जाती है स्पर्म वैक्स वेल्स की, जो है बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टर्पिनॉइड्स, ठीक है। टर्पिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो टर्पिनॉइड जो है वो लार्ज इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स है, और इसके अंदर आपके पास जो है वो कैरेटिनॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन और डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड्स वगैरह और टर्पिन्स वगैरह आ जाते हैं। इसका फार्मूला जो है वो C5 है, C5, ठीक है, ये 5C आपको नज़र आ जाएंगे, H8 है, ठीक है। फाउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर एज कोलेस्ट्रॉल, एज पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, फ्रेगनेंसेज और मेंथॉल वगैरह के अंदर ये ज़्यादातर यूटिलाइज हो रहे हैं। इसके बाद अगर टर्पीन्स की बात की जाए, टर्पीन्स जो हैं वो भी टाइप हैं टर्पिनॉइड्स की, लेकिन ये जो है वो कुछ आइसोपैरानॉइड्स जो हैं वो यूनिट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, डाई टर्पीन और ट्राई टर्पीन्स के ऊपर, और ये स्मॉल साइज टर्पीन्स होती हैं और वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं। वॉलेटाइल का मतलब है दे कैन वेपोराइज ईजिली, ठीक है, इन नेचर एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगनेंस, क्योंकि आपको पता है परफ्यूम वगैरह और जो स्मेल्स वगैरह होती हैं मेंथॉल वगैरह, ये ज़्यादातर ईजिली उड़ जाती हैं, तो परफ्यूम्स वगैरह के अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं, ठीक है। मार्सिन, ये ऑयल ऑफ बे से निकाली जाती है, जर्न ऑयल फ्रॉम रोज़, लेमोनिन लेमन ऑयल से, ये सिट्रस स्मेल होती है, मेंथॉल फ्रॉम पेपरमिंट से निकाली जाती है। सम कंपोनेंट ऑफ विटामिन A1 एंड A2 भी इसके अंदर होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वेल एज सम अदर मॉलिक्यूल्स विच यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लैटेक्स। और ये टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स के अंदर ये फ़र्क होता है कि ये जो है एक टर्पीन्स के अंदर ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है, और टर्पिनॉइड जो हैं वो CH मतलब कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, और एक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। फिर आ जाते हैं हम स्टेरॉइड्स के ऊपर। स्टेरॉइड्स जो हैं वो भी टाइप ऑफ टर्पीन्स हैं जो स्टेरॉइडल न्यूक्लियस से मिलते हैं, और ये आइसोपैरानॉइड यूनिट है, यानी कि 17 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा। अब 17 कार्बन के ऊपर किस तरीके से, ये देखिए नंबरिंग की हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, फिर 9, 10, तो ये 17 कार्बन के जो हैं वो रिंग फॉर्मेशन हुई हुई होती है, ठीक है, और अरेंज इन 4 अटैच्ड रिंग्स, और ये आपको 4 अटैच्ड रिंग्स के अंदर 17 कार्बन जो हैं वो अटैच्ड हुए हुए होते हैं। 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल, ये 3 आपको हेक्सागोनल नज़र आ रहे हैं, और एक जो है वो आपको 1 इज़ पेंटागोनल इन शेप, एक पेंटागोनल नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। रेडिकल अटैच विद देम एज साइड चेन डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर कोलेस्ट्रॉल इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टेरॉइड। तो कोलेस्ट्रॉल की जो है वो एक कैरेस्ट्रॉल जो है वो एक स्टेरॉइड की ही फॉर्म है। ये स्टेरॉइड स्केलेटन बनाया हुआ है, और ये कोलेस्ट्रॉल का पूरा फॉर्मूले के साथ जो है वो उन्होंने दिया हुआ है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और हम
इनको बाहर से भी इनटेक कर सकते हैं स्टेरॉइड्स को। कैरोटीनॉइड्स की अगर बात करें तो कैरोटीनॉइड्स भी पॉलीटर्पीन्स होते हैं जो लॉन्ग चेन ऑफ आइसोपैरानॉइड यूनिट के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, विच कंटेन बोथ आइसोपैरानॉइड रिंग एट बोथ एट वन टर्मिनल। हो सकता है कि आइसोपैरानॉइड रिंग टर्मिनल्स पे हो इसके या एक एंड के ऊपर हो। दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग। कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, पिगमेंटेशन देते हैं रेड ऑरेंज येलो ब्राउन कलर की, और किसके अंदर देते हैं? प्लांट्स के अंदर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स जो आपके प्लांट्स के अंदर पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम, लैटेक्स, रबर, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंटेशन, साइटोक्रोम डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स जो होते हैं, फिर फाइटोक्रोम्स हो गए, फिर लैटेक्स हो गया और रबर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक्चुअली इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन भी आप कह सकते हो, या एक सिक्रीशन कह लो। एक ग्रुप ऑफ लिपिड्स है जो एनिमल और मेमेलियन टिश्यूज़ के अंदर रिलीज हो रहा होता है सेल्स, उनके सेल्स के अंदर, ठीक है। और एट द साइट्स ऑफ टिश्यूज़ डैमेज और इन्फेक्शन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डीलिंग विद इंजरी एंड इलनेस। एक्चुअली ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स डिफरेंट टाइप के, या ये पिगमेंट्स जो हैं या ये लिपिड्स जो हैं डिफरेंट टाइप का वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। ये इन्फेक्शन से भी बचा रहे हैं, डैमेज अगर कोई टिश्यूज़ के अंदर हो गया उनकी इंजरी से भी और इलनेस वगैरह से भी आपको जो है वो बचाते हैं। और ये ज़्यादातर आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सच एस इन्फ्लेमेशन, अगर कहीं सोजिश हो गई आपकी बॉडी के अंदर, कहीं आपकी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, आपके ब्लड के फ्लो को, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स को, इम्यूनिटी एंड इंडक्शन ऑफ लेबर वगैरह के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब है लेबर, आप लेबर पेन इंड्यूस करना, ठीक है। वी यूज़ एस्पायरिन टू रिड्यूस फीवर, ठीक है। हम एस्पायरिन एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है जिसके, या ये कह लीजिए कि सब्सटेंस है जो मेडिसन्स के अंदर भी यूटिलाइज होता है, जो हम खुद लेते हैं। वैसे तो ये हमारी बॉडी के अंदर खुद ही फॉर्म होता है या टिश्यूज़ और सेल्स में बनता है फीवर, और हम इनटेक भी कर सकते हैं बाहर से। फीवर को रिड्यूस करता है, डिक्रीज पेन आपके बॉडी के अंदर पेन को डिक्रीज करेगा, डिपेंड करता है ऑन द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन सिंथेसिस। और आपकी ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितना प्रोस्टाग्लैंडिन इनटेक कर रहे हो, या आपकी बॉडी के अंदर कितना प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर सही तौर पे ये हो रहा है सिंथेसाइज, तो आपकी बॉडी में ये सारे काम, फीवर को रिड्यूस करना, पेन्स को रिड्यूस करना, ये इसका मैनेजमेंट। और अगर ये नहीं हो तो इससे डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो इससे क्रिएट हो सकती हैं अगर ये बॉडी के अंदर सही तौर पर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द न्यूक्लिक एसिड। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन।